मन मिट्टी दा बोलिया, मन मिट्टी दा बोलिया, मन मिट्टी दा बोलिया, मन मिट्टी दा Stupid. Message not Salini si bhai. तेरी हिम्मत की भी हुई हो जा मैसेज पे जल्दी. शर्म नहीं आती तेनू? देख मिस्टर मैं हो जी नहीं. रेस टाइप दे पंगे लेने किधर और जाके. दोबारा मैनू इस टाइप का मैसेज नहीं आना चाहिए. समझ आई? फेसबुक ते व्हाट्सएप दी जनरेशन तो हो की गया. जदों मर्जी जिन्हों मर्जी जिद्दां दा मर्जी मैसेज भेज देंदे ने. कोई फर्क ही नहीं पैंदा इन्हां नूं. प्यार प्यार हो जांदा इन्हां नूं मिंटां सकिंटां दे विच. प्यार तां ना इक खेड बन के रह गया. जदों मर्जी जिहदे नाल मर्जी खेड लो. कोई परवाह नहीं किसी के जज्बात. बचपन में मैं सोशल वर्कर के तौर पर काम करना चाहती थी. चाहत समाज में सुर करन दी सी, पर लगता मैं तो आप ही मिसफिट हो गई इस दुनिया. औरत की चुकी हुई तौर होता उठते ही मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं या फिर सजा देते उतार. ये सजा वहशियाना भी हो सकती. मैं कदी कदी जिस्मानी खेड़ा तक सिमटी इस मेल मेंटेलिटी नूं समझण दी कोशिश करती. मैं जानना चाहुंदी आ कि इह किवें पैदा हुंदी है, किवें बिहेव करदी है, क्यों पैदा हुंदी. जे रब दे रंगां च राजी रहण वाली हुंदी किड्डी सौखी होनी सी मेरी जिंदगी. जो मर्जी होई जांदा सब उपर वाले दे हवाले छड्ड दो. सौजा सुख दी नींद सराने के बाद हेलो. हाँ मन. हाँ मैं कर रही हूँ. हाँ हाँ मोस्ट वेलकम. नो प्रॉब्लम. ओके ओके बाय. अमन का फोन से दोस्त है मेरा. मिलना चाहता सी. मैं कह दिता मोस्ट वेलकम नो प्रॉब्लम. जब कोई औरत विवाह होके यह टिप्पणी करती है ना तो इन्हें मर्दों को बड़ी चंगी लगती है. अंदरों अंदर ही खुश हो जाते हैं कि मौका मिल गया. फिर मर्द नू मौके दी ही तो तलाश होंगी. अमन भी कुछ जग तो न्याणा तो नहीं. मैं झूठ नहीं कहती. मैनु भी चंगा लगता सी. कदे कदे किसी दोस्त की कंपनी तो उन्हें बहुत चंगी लगती है. पर वो दोस्त चंगा है या नहीं ये गल तो बहुत देर बाद खाने पैंदी. मैनु आज तक यही गल नहीं समझ लग सकी कि साडे समाज विच औरत ते मर्द की दोस्ती नूं सिर्फ एक ही नाम नाल क्यों जाणिया जांदा है. तुसी चट इक रिश्ता तय कर लैंदे. तुसी तो मेरा पाप सिर्फ मर्द ही नहीं औरतां भी आउंदियां. ज्यादा कुछ ना भी होवे ना तो एक गल तां तुसी जरूर कह दिंदे हो भाई वाह क्या जोड़ी जा रही है. एक बारी की होया मैं अपने भरा नाल ना मंदिर गई सी. असीं गड्डी चों उतरी सी. एक मंगती साडे कोल आई ते आखण लगी जोड़ी सलामत रहे रब तुहानूं मुंडा देवे. हाउ स्टूपिड. अल्लाह दा बहुत गुस्सा होया. लग्या कि इन्हां दा भी की कसूर है. साडा समाज यही असीसा तां सुनिया चाहुंदा. खैर अमन ने मेरा बड़ा साथ दिता. मैं कोई भी काम कहना उसने झट कर देना. एक विश्वास जिहा बन गया सी उहदे नाल. लगदा सी कि किड्डा बीबा मुंडा है.
उस बीबे मुंडे ने एक दिन मैंने कहा फिल्म देखने चलिए, मैं चट हां कर दी ऐसी फिल्म देखने चले। सिनेमा हॉल दे अनेरे विच ता शरीफा अंदरला मर्द भी जाग उठता है, मेरे नाल भी कुछ एहो जिहा वापरिया। अमन ने नींद दे बहाने अपना सिर मेरे मोढे ते धर दिता। मैनू बहुत गुस्सा आया पर मैं बड़े प्यार नाल उहदा सिर अपने मोढे तो परे कर दिता। पला छिणा विच ही उहदा सिर मेरे मोढे ते फिर आ गया। शायद झटके दी लोड़ सी। अमन फिल्म बहुत वधिया है, जरा ध्यान नाल वेखना। हालांकि मेरा ध्यान उस फिल्म तो हट चुका है। अमन के इस बिहेवियर ने मैं बहुत टेंस कर दिया। आई कांट बिलीव कि कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है। पता नहीं क्यों मैं उसकी इज्जती भुलना चाहती थी। मैं सोचती होंगी सी कि वो दोस्त ही की होया जो एक दोस्त नु गलत राह पे जान तो रोक ना सके। बस यही सोच के उसकी इज्जती भुलाना चाहती सी मैं। कदे कदे किसी की मामूली जी ज्यादती नु भुला देना ही औरत की सब तो बड़ी कमजोरी बन जाता है। इंसानी मोह प्यार मान सत्कार औरत की कमजोरी का इश्तिहार हो जाता है। अमन मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त सी, सिर्फ एक दोस्त। व्याया वरिया सी, दो बहुत ही प्यारियां बच्चियां का बाप सी। उम्र विच मैं तो छोटा सी पर उसकी इच्छा सी कि मेरा हानि हो जाए। उसकी इस कमीनगी का एहसास मैनू बहुत पहला हो गया सी पर एक दिन तो उसने हद ही कर दी। सारी कहानी लेके बहस होगी। उस कहानी के केंद्र विच एक ब्याही वरी औरत सी जो अपने पति नू छड़ के प्रेमी नाल दौड़ गई सी। आखिर लगा दौड़ गई की होया जी, और जी दौड़ गए आखो ना। जो पति प्यार ही ना करता हो तो पत्नी भी क्यों जकड़ी रहे रवायती संगलों की कैद विच। अमन अमन फिर भी धोखा तो है ना अपने पति नाल। अच्छा एक गल दस, जे उस औरत की थां ते तेरी अपनी बीवी होवे फिर, जे अपने जज्बात नू ख्वाहिश की हद तक लै जावे फिर। नो प्रॉब्लम, मैं कोई फर्क नहीं पैंदा। आजकल सब चलता है विनस जी, डोंट वरी। वैसे उसका नाम सीमा है, सीमा। नाम तो मेरा भी फिर विनस है, विनस। पता है ना इसके अर्थां का? हो तो हंसन लग पाया, मजाक उड़ाने लग पे मेरे नाम दे अर्थां दा। मैनू गुस्सा आया ते मैं उसने थप्पड़ छड़ दिता। इस देश दे विच इक औरत प्रधानमंत्री हो सकती है, राष्ट्रपति बन के पूरा देश चला सकती है, पर एक दोस्त बन के एक दोस्त नू बदल नहीं सकती। क्यों क्यों उसने मेरे नाम दा मजाक उड़ाया? क्यों उसने मेरे मोह प्यार दे अर्थां दा अनर्थ किया? इस सवाल का जवाब लभदी ने अपना खास तोड़े ते अपने हाथ ते मारिया। एक बार नहीं कई बार। मैं अपने आप को जगाना चाहती सा, अपने आप को दसना चाहती सा कि इस दुनिया दे विच बहुत कमीने लोग बैठे ने, बहुत कमीने लोग। मैं झूठा नहीं कह रही, मैं ठीक कह रही हूं ना? शीशा कदे जवाब नहीं दिंदा क्योंकि शीशा कदे झूठ नहीं बोलता। मैं
मैं ठीक हूँ। मैं गुम हो गई सा अपने घर विच, अपने सामे गुम हो गई सा। मैनू किसे हौसले की लोड़ नहीं है। दोस्ती दे नाते दिलो दिमाग दे विच गंदा खून सी जो बह रहा है। कच दे टुटे गलास के की औकात है इस गंदे खून दी। अमन ले यो अफसर सी ते यो आ गया। उसने हाथ अपने हाथों में लिया के जख्म साफ कर दिता। कहन लगा चलो पट्टी करवा देगी। मैं ना कर दी, शायद भी मेरी गलती सी। उसने मेनू मोटिया तो फड़िया बैड ते बिठा दिता। मैं जिसनू अपनी पवित्रता दे अर्थ दस रही सा, वीनस होन दे अर्थ समझा रही सा, मैं ओदे लई की सा, उस दियां हरकतां दस रही सन। उसने मेरे खून दी भी परवाह नहीं कीती ते मेरे तन उते चपट पिया। मेरा दिलो दिमाग सुन हो गया सी, दिमाग सुन सी पर अखां खुलियां सी, जो वेख रहियां सी उपर चलदे पखे नूं। पखा लगातार चल रहा सी ते नाल ही अचानक लाइट गई ते घूमता पखा बंद हो गया। हुण अमन जा चुका सी, हुण बंद पिया पखा मेरा अंतिम सहारा सी। कोई औरत अपने ही घर विच अपने ही दोस्त दे हत्थों जलील हो जाए तां पखे तो वड्डा सहारा कोई नहीं हो सकता। ये सुन होए दिमाग दा फैसला सी। मेरी चुनी भारतीय औरत दी इज्जत दा सारा चिन्ह मेरे गल विच सी। मैं इसनू गंढ मार ली सी। दूजा लड़ पखे नाल बनन ही लगी सी के अचानक लाइट आ गई ते सुत्ता दिमाग जा बैठा। अमन तू की कीता अमन तू मैं तो थप्पड़ दा बदला लिया। अमन तू मैं तो थप्पड़ दा बदला लिया। मैं बाहर जाके रौला पा देंगी। मैं पुलिस नूं खबर कर देंगी।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੀਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫੰਦਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। जो हम साया विच शुमार सांझी रहतल सांझा सिरज दी सांझी रीत बीमारे मार साड़ी खाप ते जिरगे ओ ना दे सदा करन औरत दीवार माई मुखदार